व्यू की वजह से हम अंदर इतना छोटा मकान नहीं ले सकते ना। ये सिर्फ दी है बुखार के लिए, दर्द और बुखार के आराम के लिए, और एंटीबायोटिक जो ना फिर मैं इसको रात को दूंगी। अभी ये सो रही है, इसको सोने देते हैं। कि बच्चों का देखो पूरा रूम साफ है, इतने दिनों से हमारे कर्टन रहते रहते रह गए जो यहाँ पर कर्टन लगाने थे। टाइम देखो अभी से ना बाहर अंधेरा होना शुरू हो गया, दोपहर का टाइम है। ये देखो दोबारा से बारिश होना शुरू हो गई है। काफी टाइम हो गया ना मैं अपनी बैल्कनी में नहीं आई, ना ही मैंने आपको अपनी बैल्कनी दिखाई है। ये वाले जो फूल हैं ये तो सारे सूख गए हैं, ये थे सारे सर्दियों के। अब निकलती है तेज कड़क धूप, ये जो है ना ये सर्दियों में लगाए जाते, लगाए थे तब तक चल गए। अब गर्मियों के जो फूल है वो अलग होते हैं, तो यहाँ पर ये गमले में चेंज करने पड़ेंगे। ये देखो ऊपर सारे सूखे हुए हैं। ये फिलहाल फूल यहाँ पर कोई भी नहीं निकला हुआ गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से हैं। और ऐसी प्यारी प्यारी हल्की हल्की अभी बारिश हो रही है, तेज़ नहीं हो रही, यहाँ पर आराम से हम बैठ सकते हैं। यहाँ के व्लॉग शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, अपने आप को रिलैक्स करना है, काम तो करना है ना। चलो आज हम अपना व्लॉग कर रहे हैं शुरू। कल जैसा भी हो, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, हर एक चीज़ को साइड पर करके, अपनी तबीयत अच्छी करके अपने काम पर दोबारा से जाना है, निकलना है। पहले इस साइड पर जो हमारे पौधे हैं ना, ये तो सारे हरे भरे हैं। जो फूलों वाले थे ना वो सूख गए, जैसे कि ये सारे क्या थे कि ये सारे ना सर्दियों के थे, अब ये सारे जाएंगे, गर्मी वाले फूल अब लगाने पड़ेंगे। चलो चलते हैं। इतना कोई प्यारा और इतना कोई ठंडा मौसम बना हुआ है, तो मैं अपनी गाड़ी निकाल कर जाने वाली हूँ बाहर। बारिश पहले थोड़ी कम थी, अभी थोड़ी तेज़ हो गई है। दो खजूर मैंने लिए हैं, खाने पे थोड़ा कंट्रोल किया हुआ, और चाय पे भी थोड़ा कंट्रोल किया, तो मीठे की जगह ना खजूर ले लेती हूँ। शुक्र है आ गए आप। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गई आपकी मॉर्निंग। कब से बोल रही अपने हस्बैंड को कि मेरी जो ख्वाहिश है, मेरा जो ड्रीम है, वो मेरा ड्रीम हाउस है, मुझे अपना घर बनवाना है। यहाँ पर हर एक चीज ना, कभी कौन से कोने में समेट के रख रहे हैं, कभी कौन से कोने में समेट के रख रहे हैं। प्लॉट मुझे लिए हुए 6 महीने तो हो गए होंगे ना। अब ना मुस्तफा को और मेरे हस्बैंड को यही लगी है, बनवाने पे बहुत टाइम लगेगा, बना बनाया घर देख लेते हैं। टाइम की बचत होगी, थोड़े पैसे बच जाएंगे जो कि यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि मेरा दिल है कि जो मैं बनवाऊंगी अपने तरीके से भी बनेगा और वो बड़ा भी होगा। कब से ये बोले जा रहे हैं, वहाँ पास एक घर है जो सेल पे लगा हुआ है, बना बनाया बिल्कुल न्यू है, एक दफा तुम चेक कर लो। अभी ये इतना बोल रहे हैं, एक दफा उसको चेक कर लेते हैं। देखने को तो कोई पैसे नहीं है ना, घर तो खराब अपना बनवाना ही बनवाना है। अभी नजमानी को जहाँ छोड़ने गया था ना, वो भी घर बनवा रहे हैं। वो डेली मिस्त्री मजदूर के पीछे होते हैं, उसको तकरीबन 1-2 साल हो गए, अभी तक उसका घर सेट नहीं हुआ। तो ये मुझे ना बहुत ज्यादा डरा रहे इस चीज के लिए कि वही बना बनाए ले लो। तो चलो वैसे मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ, चल बने बनाए को आप एक अच्छे तरीके से रेनोवेट कर ले। चलो एक नजर देख लेते हैं, एक नजर देख ले। अगर एक महीने से ये और मुस्तफा दोनों मेरे पीछे लगे, मामा प्लीज बना देख लेते हैं। ये मोबाइल आप संभालो। यहाँ पर होती है ना तो फौरन से बारिश शुरू हो जाती है। अभी मैंने ऊपर एसी चलाया था, फिर मुझे ना एकदम ज्यादा ठंड लगना शुरू हो गई ना। बाहर देखा के ना लगा इतनी ठंडक क्यों हो रही है, फिर अंधेरा भी थोड़ा ना कि विंडो से दिखना शुरू हुआ, ऐसे काले काले बादल बने हुए हैं इनकी वजह से। मौसम लाजवाब बना हुआ है, ऐसा प्यारा मौसम बना है। चलो चाय पीने के लिए चलते हैं। इब्राहिम से भी नहीं मिली, इब्राहिम कैसा है? इब्राहिम अच्छा है, ठीक है। ये देखो चलते चलते हम यहाँ पर आ गए घर के साथ। ये फ्रंट पे है गार्डन, इन बीच में देखो ऐसा रोड आ रहा है और ये रहा सामने घर। ये अलग से गार्डन है, मतलब घर के अंदर गार्डन नहीं मिल रहा, ये बाहर है, इतना बड़ा है। जैसे मैंने इस गार्डन को देखा वो तो दिल खुश हो गया, लेकिन ऐसे जैसे अंदर घर में गए ना, छोटे छोटे रूम बने हुए सब कुछ। अब वो जैसा होता है ना प्लाट में, आप अपनी पसंद से बनवा सकते हो। बनाए बनाए घर जो होते हैं ना, अपनी मर्जी से बस छोटे छोटे रूम बना देते हैं, और किचन भी ऊपर नीचे दो दे दिए, तो वो ऊपर वाला किचन भी इतनी सारी जगह घेर लेता है, तो किचन तो एक ही बहुत होता है। मैं ये कहती हूँ कि चलो एक ही दफ़ा इंसान का घर बनता है, और मुझे ही होता है कि मुस्तफ़ा का एक अलग से पोर्शन हो। कल को मैं हर बार घर नहीं चेंज करूंगी, अब जो भी मेरा बड़ा सा घर हो और मुस्तफ़ा का एक अलग से पोर्शन हो। तो हर एक चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि मेरे बच्चों के सबके अलग अलग रूम हो, मेरी बच्चियाँ भी आएँ तो उनके भी अलग अलग रूम हो। जब घर बनाना है, हर औरत का ख्वाब होता है ना, तो वही देखते हैं। तो अब ये जो घर देखा ना, बाहर से देखो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से ना रूम छोटे छोटे हैं। ये यहाँ से ये यहाँ तक इतना बड़ा गार्डन भी है, लेकिन ये मकान ना 10 मरले का है। मतलब एक वो होता है ना, छोटे मकान भी बने होते हैं लेकिन उनको देख के ना सर दिल खुश हो जाता है कि खुला खुला बना हुआ है, वो चीज़ अंदर नहीं है। चलें, आपको समझ में आया? नहीं समझ आया ना,
मैं बोल रही थी कि नहीं समझ आएगा। अच्छा है यहाँ का व्यू, तो बहुत प्यारा है। व्यू की वजह से हम अंदर इतना छोटा मकान नहीं ले सकते ना, बाहर से भी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे मैं आई हूँ ना, मुझे बताया कि ये वाला घर है, तो बाहर से मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा अच्छा बना हुआ है, लेकिन जब अंदर गए, अंदर जाते ना सीढ़ियाँ तो ऐसी छोटी छोटी बना दी बच्चों की तरह। घूम फिर के वापस हम आ गए अपने घर पे। बाहर यहाँ पर ना घास निकालनी पड़ेगी, घास बहुत ज्यादा हो रही है ना। अस्सलाम गाइस, कैसे हो? सुनी को तो सारे के साथ ठीक हो, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज जो है मदर्स डे है, और अभी तक हमने मम्मा को नहीं बताया, और उनका हमने एक सरप्राइज रेडी किया, तो अभी हम जा रहे हैं उनका गिफ्ट लेने के लिए। पापा नीचे गाड़ी में है, वो कब से फोन दे, चलो चलते हैं फिर उनके लिए। और पापा काफ़ी देर से बाहर खड़े हैं, गिफ्ट ले लेते हैं हम। गिफ्ट जी, मदर्स डे है तो रश देखो, यहाँ फ्लावर्स की दुकान के बाहर पूरे की पूरी जगह ही भरी हुई है। मदर्स के लिए यहाँ पे आके फ्लावर्स ले रहा है। ये वाला ले ले, या वाइट में ले, रेडी हो रहा है, वाइट में ले। गाइस एक हमने छोटा बुके ले लिया, और एक ये बड़ा बलून सा, ये थोड़ा नया लग रहा था तो मैंने कहा यही ले लेते हैं। हाँ जी, अच्छा एक्स्ट्रा बुक्स नोटबुक होती है। चलो, हर जगह रश है, हर कोई आया हुआ था मदर्स डे को। हम केक भी लेने गए ना, तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा रश था। मैं इस पहले मैंने सोचा हुआ था कि ना मम्मा के लिए वो ले लेते हैं, वॉच ले लेता हूँ, क्योंकि एक वही मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, बाकी वरना नेकलेस वगैरह बहुत सारा कुछ था, लेकिन वॉच पहले ही तैयबा ने ले ली तो इसलिए मैंने कहा चलो बुके ले लेते हैं। बुके आया देगी, ये जो पीछे बलून टाइप सा था ये मैं दे दूंगा मम्मा को। घर पे जैसे मैं पहुंची हूँ, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिए और अनीता से बोल के अपने लिए चाय बनवा ली है। और चीनी भी पहले से मैंने कम कर करके, बिल्कुल फीकी चाय नहीं ले रही, लेकिन पहले से चीनी बहुत कम कर दी है। पहुंच गए घर, बकरियां देखने दे आगे, मम्मा है कि भी चल रही है। आज यहाँ जब उधर साइड पे बैठी हुई है, शक्कर कह रहे गैराज वाला कैमरा बंद कर दिया, वरना मम्मा उधर बैठ के देख रही होती। खुश होकर पियो, पहली बार मुस्तफा अपनी स्कूटी लेकर गए और अपनी कटिंग खुद करा कर आए, तो अच्छे रहे। इसको ऐसे ही चाहिए कि पीछे से भले छोटे हो जाएं, फ्रंट से जो है इसके शॉर्ट ना। एक को इनकी ट्यूशन टीचर ने बताया कोई जगह का ना, कि यहाँ कोई सैलून था मुस्तफा, ऐसे शॉप थी, सैलून पूरा प्रॉपर सैलून जो मेंस का सैलून होता है, वहाँ पे गए थे। और कितने, हाँ कितने भर के आए हो? 500 कटिंग के, ज्यादा लियोगे, झूठ नहीं बोल। हाँ सच्ची 500 की जाते हैं नाई के पास, जिसके पास पता है क्या होता है, मोजी के पास जाते हो? मेरी बात तो सुने, वो होते हैं ना जिनके हाथ में टोकरा होता है पानी होता है, ऐसे करके लगाते हैं। तो 300 में आपकी कटिंग करके देते हैं? ये शॉप है, उस बड़ी शॉप है, क्या हो गया? बस अच्छा, कराची में कितने दे कराते थे? कराची में वहाँ पे 150 रुपए लगे, 150 उधर थोड़ा, उधर जो होता था ना वो महल्ला था ना, वो ऐसे करता था और ऐसे ऐसे करके पानी लगाता था। नहीं वैसे अलग अच्छे कटिंग से उनसे बेहतर है, मैं उन्हें जैसे कहता ऐसे कह रहा होता था, बाल हमेशा कर दे, वो लाइन बना देता था उसमें मुझे। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को भी साथ में नहीं लेकर गए, अपनी स्कूटी इसने चार्ज की है, बस वही अपनी स्कूटी पे गए, पैसे लेकर गए, अपने पापा को किसी को भी नहीं बताया भी नहीं कौन सी जगह पर, बस कहते हैं मैं साथ जाऊंगा, मुझे पता था ये जाएंगे तो कहेंगे आगे से कट मार दो। अच्छा मम्मा देखे, पापा के बाल तो हमेशा वैसे होते हैं, मेरे बाल कटे तो हैं, इनके बाल तो काटते भी नहीं है, काटते भी नहीं है इनके बाल, 300 रुपए की चीज के लेते हैं ना। अम्मी के रूम में बैठ के हम अपने गिफ्ट की करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखो ये कुछ गिफ्ट और ये भी आ गए, आज सारे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, कब से पड़े हुए हैं। याद आते हैं जब भी आप कोई भी चीज घर में नई लाओ, कुछ भी खरीद कर लाओ ना, या के सूंघता है कि क्या लाए हैं, भले से खाने पीने की कोई चीज ना हो, कपड़े हो, नए कंबल हो, उनमें जाके घुस जाएगा। आप ठीक है? ठीक है। आए तो अम्मा की याद आई है? क्या? अम्मा की याद आती है? हाँ। कहाँ चली गई अम्मा? शादी। शादी पे गई हुई है। इसमें क्या है? है ढेर सारी है, बिस्किट है, इसमें है एक शर्ट है, ये नजमा खाला की तरफ से, और ये शर्ट मुस्तफा के लिए नजमा खाला लेकर आई है, थैंक यू सो मच। और ये देखो दो ये हो गए खाने, ये वाला शॉपर, तो ये नजमा खाला लेकर आई थी मुस्तफा के लिए गिफ्ट। ये क्या चीज है? हाँ फुटबॉल है, ये क्या चीज है? लेज है, ये हवा भरने के लिए, साथ में ये पिन भी है। गई मुस्तफा की फुटबॉल, कहाँ गया मुस्तफा?
और ये भी है, ये इसका ये बांधने वाला है यहाँ पर अकेडमी में, कहते हैं खेलेंगे। नजमा खाला है आपके लिए, नजमा खाला आपकी आपकी खाला नहीं है वो, आपकी ननी है। ये भी और, ये भी है अपनी चीजें संभाल। थैंक्स, अपना सामान अपने रूम में रखो। ये सारे गिफ्ट भी थे नजमा खाला की तरफ से, और मुस्तफा का गिफ्ट 15,000 उन्होंने कैश भी दिया था मुस्तफा की बर्थडे पे, जो कि मैंने मम्मा को दे दिया अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि ईद पे भी जो इसके पास इतनी सारी ईदी थी ना, वो भी सारे इसने खर्च कर दिया। और तायरा खाला ने भी और फायदा खाला ने भी दिए थे। मुस्तफा फ्रॉम मेजर अंकल, आपकी गेम्स है, शायद हो सकता है कि लूटो, मतलब बुक्स भी हैं, ये तो इनको दे दो, इनके ये लो, आप कलरिंग करना, ये देखो, ओह माय गॉड, मुस्तफा ये है द फेमस फाइव है, ये तो सारी स्टोरी बुक है। हमने स्ट्रीट उसको, हां जी फाइन, देखो मेजर अंकल ने आपको इतना प्यारा गिफ्ट दिया। फाइन गोटा आपके साथ साथ तैयबायत के लिए भी था, उनकी कलरिंग बुक भी आ गई। मम्मा ये मेरे लिए, तो बहुत अच्छी है आयत, आप कलरिंग करती रहना। मम्मा ये मेरे लिए है। और देखो आयत बारबी वाली भी आ गई। ये गया मुस्तफा चेकिंग करने, हमेशा कहते इसका कुछ होगा, कुछ नहीं होता। ये सारी बुक्स इनको साइड पर करो, ये इसको ठहरा निकाले। ये वाला गिफ्ट आया है फ्रॉम रियान, ए रयान जिब्रान, इसमें खुद बनाया मुस्तफा आपके लिए, मुस्तफा भाई। रयान हो गया नीली आंटी का भांजा हो गया ना, बहन का बेटा है, बहन उनकी बहन साथ में आई थी ना हिना, उनका जो छोटा बेटा था वो आया था, तो वो यही गिफ्ट लेकर इसी बुक बनाई है। मैंने तो एकदम से येलो येलो देखा, मुझे लगा आपको सीरिलैक दे दिए। फुटबॉल अच्छा, हवा भरनी पड़ेगी इसमें, फिर ऊपर से ये ऊपर ये चमक है इसकी, ये तो डिजाइन है। क्या ये हैप्पी मदर्स डे? और ये पता कब का है? ये जिस दिन मुझे नजमा खाला ने सरप्राइज दिया था और रात को हम सब ने एक साथ डिनर किया था, तो उस टाइम पर ये मेजर अंकल नीली आंटी लेकर आई थी। और तो उस टाइम के आयो, हमने खोला नहीं, इसमें सारे खाने पीने की चीजें थी। मैं सबसे पहले खाने वाली हूँ, ये बहुत टेस्टी होती है। इसके बाद ये है इतना बड़ा सा डब्बा बिस्किट का है, इसके अलावा ये है, इसमें भी सारी कुकीज है आयो। तो मैं इसमें से, ये तो मुझे वो वाले याद दिलाते हैं जो नाना अब्बा नहीं लाते थे हमारे लिए गाँव में, नाना अब्बा हमेशा हमारे लिए ऐसे बिस्किट लेकर आया करते थे। आप तो डेटिंग पे यही बोलते हो, मतलब कुछ भी कभी कुछ अच्छा मुझे मिल जाए तो हमेशा कहते हैं कि आप तो डाइटिंग पे, डाइटिंग का मतलब मैं सब कुछ छोड़ दूं, दो दो तीन तीन दिन कुछ नहीं खाती, अगर दो तीन दिन बाद कुछ अच्छा लग रहा होता थोड़ा डिफरेंट तो खा लेना चाहिए, कुछ नहीं होता। मल्टी सीड बिस्किट, इतनी सारी बबल्स आई आपके लिए, ये फ्रूट्स बने हुए हैं क्या? कैरेट है, गाजर, मूली है, सारा कुछ है इसमें। ये है मल्टी सीड बिस्किट ब्राउन में, और बाकी इसके अलावा एक लास्ट ये रह गया कि इसमें भी सारे बिस्किट ही बिस्किट। ये दोनों बास्केट नजमा खाला की तरफ से, चॉकलेट चिप्स का इनका चीजों का होगा। इसमें है ये सफायर का सूट, और ये देखो इस तरीके का ये प्यारा सा इसका कलर है कि देखो। इसके अलावा इसमें बैंगल्स भी थी, जैसे ईद होती है ना, पूरी ईद बनी हुई है। और बाकी इसके अलावा दूसरा सूट देखो, ये हो गया, ये सना सफीनाज का है, इसके साथ है ये इस तरह का, ये शिफॉन का दुपट्टा हो गया, प्यारा सा कलर इसका, बहुत प्यारा है। जो है ना, ये दूसरी बास्केट की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये दूसरी बास्केट में वही चीजें हैं, ये इतनी सारी कोई इनकी चीजें जमा हो गई हैं, चॉकलेट चिप्स बिस्किट ये कुछ। ओ आयत कब से बोल रही थी आयत का गिफ्ट आ गया, ये देखो, अच्छा वो हो गया। और बाकी इसके अलावा इसमें ये सूट भी है, सारा सा सूट है, ये तो देखो ये आयत का है, ये इसके साथ का देखो दुपट्टा हो गया, दुपट्टे पे छन छन, तो देखो वाह, ये तो बहुत अच्छा बेबी आपका। वो जो पहला मैंने खोला वो तैयबा का है, ये वाला आयत का, ये छोटा सा देखो आयत का दुपट्टा हो गया। आइए तो ये इस तरीके की, ये देखो ऐसा फ्रॉक है। ये आ जाता है रजिया आंटी की तरफ से, तो ये मुस्तफा अपने रूम में रखेगा, अच्छा है ना। अब ये दूसरा बैग है, तो ये है रजिया आंटी की तरफ से इब्राहिम का गिफ्ट है, ये प्यारा है, ये व्हाइट कलर में, और प्यारा सा देखो सूट है ये पूरा, इसका ये छोटा सा साथ में ट्राउजर हो गया, इसके साथ में सॉक्स हो गए। इब्राहिम के कपड़े तो देखो इतने प्यारे प्यारे क्यूट से, साथ में छोटी सी शलवार हो गई। आपके भाई के जूते आ गए, देखो इतने छोटे शलवार कमीज, और ये आ गया जैसे ईद की तैयारी नहीं होती वैसे आया हुआ। बताओ क्या भेजा है रजिया आंटी ने? तलवार,
तलवार है इसमें, ये फ्रेम में तलवार लगी है, फ्रेम लगाने वाला है ये। मैंने कहा खैर मेरे लिए कोई स्पेशल तलवार आ गई है। सबकी तरफ से रजिया आंटी, आपकी तरफ से मेजर अंकल, नीली आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया, नजमा खाला का, सारे गिफ्ट बहुत अच्छे थे। जो गिफ्ट है ना ये है नजमा खाला की तरफ से। तैयबा तो देख ही नहीं रही, क्या कर रही हो आप, कहाँ हो आज, पूरा दिन नहीं देख रही थी। ये अच्छा है, इब्राहिम का प्यारा सा गिफ्ट आ गया, और ये है भी ना काम का, बच्चों के लिए से होना चाहिए। आज कहाँ था पूरा दिन रमजान, आज मैंने कावा भी नहीं पिया। तो अब रह गया लास्ट में एक गिफ्ट, और ये है टू सितारा यासीन फ्रॉम इशरत, क्योंकि ये वाला जो गिफ्ट है ना ये लाई है ताहिरा सिस्टर सऊदीया से, फ्रॉम प्यामे जिंदगी व्लॉग इस्लामिक ब्लेस। और इसमें क्या है कि ये है तैयबा की वॉच है, तैयबा ये आपके लिए जो है आयत की वॉच, आयत आपके लिए वॉच आई है, ये लो सितारा यासीन, तो ये मेरे लिए होगा। वाह इसमें भी वॉच है, छोटा है, और ये एक इस तरीके के, बहुत ही प्यारा इसका ये डिजाइन है। और बाकी इसके अलावा ये क्या चीज है, अंदर से निकाला है तो ये इस तरीके की प्यारी सी, इसमें ये वॉच है मुस्तफ़ा को, अभी मैं दिखाऊंगी, अभी बाहर है। और ये एक तरह की ये क्लॉक हो गई जिसको हम सामने लगा सकते हैं और रिमोट से जो है ना टाइम सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर जब अलार्म बज रहा हो तो शायद रिमोट से बंद करने का हो, इस वजह से साथ में रिमोट है। और ये मुझे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा गिफ्ट लगा है, थैंक यू सो मच इशरत, आपने इतना खूबसूरत इतना कोई प्यारा गिफ्ट भेजा। ये चार्जर भी है इसका साथ में, ये चार्ज भी होगा। इसके अलावा ये मैं भूल गई थी, मेरे हस्बैंड का भी साथ में गिफ्ट भेजा इशरत सिस्टर ने, इसको खोलो, मतलब आपके पापा की कैसे खोलो इसको, नहीं बताएंगे हम पहले खुद, ये पापा वाली मैं ले रहा हूँ, क्यों ये पापा वाली मैं ले रहा हूँ, क्यों ऐसा देख रहे थे, दो हाँ टू टाइम दे रही हूँ आपको। कहाँ चला गया था, इतने दिन से नहीं दिखा मुझे, याद नहीं आई तुम, याद नहीं आई, लग रहा था इब्राहिम, इब्राहिम आ गए, भैया आ गए आपका, कौसर को तो मैं मिली नहीं, आ गए इब्राहिम, मेरी बीबी को कहा हाँ। तो क्या चल रहा है तुम दोनों का आपस में, हाँ इतना कोई मुझे इसकी याद आई हुई थी, अब तो बड़ा हो गया है, सरप्राइज का जो है टाइम आ गया, बच्चे जो है रूम में चले गए और अभी सब लोग आ रहे हैं, काफी टाइम का सरप्राइज, इब्राहिम को, इब्राहिम को भी इसी वजह से लेके आए, अच्छा इब्राहिम को भी पता है, सबको पता है, मुझे नहीं पता, कौसर को पता है, नहीं पता। 1 2 3 हैप्पी मदर्स डे, सब चीजें उसी टाइम लेके आए, पहले मेरा प्लान था कि जब मैं ट्यूशन से आऊंगा तब भी नहीं कहूंगा, लेकिन पहले ही सारी चीजें ले रखी, मदर्स डे, चलो थैंक यू सो मच। आज पता क्या हुआ, मैंने सुबह सुबह वीडियो देख रही थी कि सारे बच्चे ना वो विश कर रहे थे, मैंने कहा पता नहीं मेरे बच्चों को ना इतनी अकल तो भी आएगी नहीं, बड़े होंगे तभी शायद करेंगे, अब मैं क्या जाकर बोलूं कि मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान करो, मैंने कहा मैं बच्चों को ये सारा कुछ, मैं आप तैयबा को थैंक यू कीजिए, तैयबा ने पहले ही सारा कुछ रेडी किया था, कैसे याद था मम्मा की जान, 2-3 दिन से कह रही है तैयबा, मम्मा का वो मदर्स डे आने वाला है ना, देखो ये इस छोटे इब्राहिम को भी पता था, एक कौसर को नहीं पता और हमें नहीं पता था, और ये इतना इन्होंने पूरा सजाया हुआ है, हैप्पी मदर्स डे, यो हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, यो सबसे पहले ये लो थोड़ा सा, और भी कुछ प्लान रखा हुआ था, क्या नहीं है, पूरा ये सारा प्लान किया और मेरे लिए गिफ्ट भी मदर डे पर लेकर आई है, घड़ी लेकर आई, ये मेरे लिए वॉच लेकर आई है, कहाँ से थी वाह, कैसे पापा के साथ सारा प्लान किया,
इतना बड़ा सरप्राइज दिए आज। मैं सच में ना इतनी सारी मदर्स डे वाली वीडियो देखे, मैं कह रही थी मेरे बच्चे कहाँ मुझे करेंगे। ये आप लोगों का है, ये आयत आप ये कौन लाए? ये अपनी मम्मा को दिया, मम्मा को दिया। थैंक यू सो मच आयत। ये कौन लाए? आप मैं लाए हूँ, मैं लाए हूँ। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सारा कुछ प्लान करके रखा हुआ था। और ये अपनी दूसरी मम्मा को भी दो ना। आप दो आप खुद अपने हाथों से दो। तो ये भी तो मदर है ना, ये भी मम्मा, इसको भी दो। मम्मा को बस आप नहीं दे रही ना, उसे लगता है शायद मेरे खेलने की कोई चीज में ब्लॉग बनाया था। फ्लावर भी नहीं, मेरे मोबाइल से ब्लॉग बनाया। ये बच्चों ने मुझे सरप्राइज दिया है, और मदर्स डे के लिए इससे बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है कि बच्चों को सब याद था, ये सारा कुछ प्लान किया। पापा के साथ जाकर सारे बैलून ये देखो, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा की स्टडी टेबल तक हर एक चीज़ सजाई हुई है। तो इसका क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा तैयबा को, क्योंकि तैयबा ने सबके दिमाग में डाला कि मदर डे आ रहा है तो मदर डे सेलिब्रेट करना है। ये जो आज मेरे बच्चों ने मेहनत करके ये पूरा रूम सजाया है और मुझे सरप्राइज दिया है ना, ये एक बहुत ही प्यारी सी मेमोरी है जो मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। स्पेशली जो मेरी बेटी ने मुझे ये सरप्राइज दिया है। हाँ, ट्रॉली बोलते हैं इसको। इब्राहिम तो देखो दूसरी बार कपड़े वपड़े भी चेंज करके आ गए। ये तो कौसर अभी आई है, सरप्राइज भी दिया, और आज हमें पता चला है कि इब्राहिम आज के दिन पूरे 40 दिन का हो गया। मुझे ये था कि अभी 2-4 दिन रहते हैं। वो पहन भी लिया है, गिफ्ट पहन के लेटे हुए आराम से। ये 2000 का है। अच्छा, 1000 का है। ये जब कौसर आती उसी दिन तुम रेट क्यों लगा देती हो चाय के? हाँ, ये नया मेहमान आता है। पहले रात को नहीं करते। इसको यहाँ पर दवाई, चलो मैंने इसको दे दी थी पहले, ये सो गई है। और इस साइड पर इब्राहिम भी सो गया है, और वो देखो इब्राहिम के पापा भी वहाँ पर सो गए और नींद आई हुई उनको। और कौसर साथ में इसका पूरा सामान नहीं लाई, वरना सो जाती इधर। सामान नहीं है, देखो हमेशा आती है ये छोटा सा बैग लेकर, एक पैम्पर, एक फीडर और बस एक सूट जो यहाँ पर चेंज करता है और फिर वापस चला भी जाता है। घड़ी देखो पहन के कैसे सो रहा है। इनके पूरी तैयारियों के साथ आयत की तरह सो गए, उठे वो खड़ा हुआ है, इब्राहिम भी सो गए। चलो ठीक है कौसर, फिर मैं आऊंगी, इसकी जो चीजें यहाँ पर रह गई है ना वो सारी ले आऊंगी इसके गिफ्ट टाइम में। कुछ बारिश तो रुक गई है ना, अभी बारिश तो नहीं है। नहीं अभी नहीं, मौसम तो गए। और मैं आज दूसरा दिन है, आज भी मेरी वॉक रह गई है, थोड़ी देर वॉक कर ले। हाँ चलो चले, मौसम ठंडा हुआ, एक दो चक्कर लगा कर आ जाते हैं। मेरे शूज लेते हो ना? अभी वॉक करने जा रहे हैं। हां हां, अभी वॉक करने जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय इब्राहिम। अभी यहाँ पर आज बारिश हो गया ना तो मौसम बहुत प्यारा हो गया, एक आधा चक्कर लगा लेते हैं। जो बहुत ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। पत्ते तो देखो कितने झड़े हुए हैं, बारिश भी थी और तेज हवाएं भी चलती रही है ना, तो ये नीचे सारे पत्ते झड़ गए। एक ये आखिरी चक्कर है, अब इसके बाद बस। अभी तो कह के गई हो मेरा आखिरी चक्कर। बाहर से आ गए हैं घर, और घर पे देखो कैसे खामोशी है ना। कौसर अपना मोबाइल भूल गई है? अच्छा, मुझे लगा कौसर का मोबाइल पर। तो चलो इसी के साथ ना आज का व्लॉग मैं करती हूँ एंड। मुस्तफ़ा के भी फाइनल एग्जाम भी चल रहे हैं ना, अब थोड़ा जल्दी सो जाता है। इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। आज का दिन मेरे बच्चों ने मेरे लिए बहुत स्पेशल बनाया, बड़े होकर ये भी देखेंगे, बूढ़ी होकर मैं भी देखूंगी, ये सारी एक प्यारी सी मेमोरी बनाई है। ये सिर्फ ना एक माई फील कर सकती है, जिनके बच्चों को इन सारी चीज़ों का पता ही ना, अपने खेल पढ़ाई में, गेम में, इन सारी चीज़ों में, और उनके लिए ये सब कुछ पहली बार। माँ बाप तो हमेशा करते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सोचती हूँ उस व्लॉग को करना एंड, कल मिलूंगी। तो इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय करती हूँ, बाय बाय।